अकाउंट रिकवरी, अगर आपका जीमेल अकाउंट किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जैसे कि आप अगर अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाह रहे हैं तो क्या है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन में फंस जा रहा है, या फिर आप जब लॉगिन करना चाह रहे हो और जब पासवर्ड डाल रहे हो तो वो गलत बता रहा है, जैसे कि आप लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हो। एंड आपका जीमेल बहुत तरह से मतलब बहुत जगह में यूज होता है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप पबजी या फ्री फायर खेलते तो वहां पे भी ईमेल आईडी मांगा जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तब तक आप ना फ्री फायर खेल सकते, ना पबजी खेल सकते, ना ही यूट्यूब चैनल चला सकते, ठीक है। एंड एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि गूगल ड्राइव भी आपका जीमेल आईडी से ही लॉगिन रहता है, जैसे कि उसमें आप फोटो अपना, वीडियो अपना या कुछ भी रखे हो इंपॉर्टेंट चीज, तो जब तक आप उसको लॉगिन नहीं कर लेते हो तब तक आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, वो रिकवर नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस, मैं एक नया तरीका आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल आईडी को किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। 110% आपका जीमेल आईडी रिकवर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को फुल एंड तक वॉच कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि मैं अगर इंट्रो दूं तो बहुत ज्यादा ही देरी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा बने, जल्दी से बना के क्रिएट कर देता हूं, ताकि क्या होगा वैसे में कि आपका जो ये प्रॉब्लम है वो तुरंत से सॉल्व हो जाए। सो गाइस, अकाउंट रिकवरी, तो आपको सबसे पहले अपने गूगल में, यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिखा हुआ, गूगल में आपको सर्च करना है, ठीक है, गूगल अकाउंट सपोर्ट सर्च कर लेना है, ठीक है। एंड उसको सर्च करने के बाद आपके सामने एक आएगा फिर से गूगल अकाउंट सपोर्ट का एक लिंक, ठीक है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल अकाउंट सपोर्ट में क्लिक कर देते हो तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अकाउंट रिकवरी, ठीक है, मतलब कि वहां पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तो आपको सिंपली अकाउंट रिकवरी में टच करना है। जैसे ही आप अकाउंट रिकवरी में टच करते हो तो आपके सामने बहुत सारा पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको वहां पे आपको क्लिक करना है कांट साइन इन टू योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यू नो योर यूजर नेम एंड पासवर्ड बट यू कांट साइन इन, ठीक है, आपका ही यूजर नेम है, आपकी का जीमेल आईडी है बट आप उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ऐसा ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको फिर एक ऑप्शन मिलेगा, खुल के आएगा कि आपका यहाँ पे आएगा कि मैसेज यू गेट एन एरर मैसेज, ठीक है, आपको एक मैसेज आएगा जो आपके मोबाइल में या किसी जगह में ओटीपी मैसेज वगैरह जा रहा है, वो गलत जा रहा है, एरर मैसेज, जिसकी वजह से आप अपना अकाउंट को रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट इज सस्पेंडेड और डिसेबल, आपको इसमें क्लिक कर देना है, अकाउंट इज सस्पेंडेड एंड डिसेबल में क्लिक करना है। जिसे वहां पे क्लिक कर देगा तो नीचे में आपको मिलेगा एक लिंक, वैलिड लीगल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसके उसमें आपको क्लिक कर देना है, वैलिड लीगल रिक्वेस्ट में आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको एक हेयर का ऑप्शन मिलेगा उसी के नीचे में, ठीक है, तो आप हेयर में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे हेयर में क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आपको मिलेगा सेलेक्ट द गूगल प्रोडक्ट, ठीक है, आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे कि क्रोम ब्राउजर का आएगा, जीमेल का आएगा, यूट्यूब का आएगा, बहुत सारा आपको एक्सेट्रा आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपका मेल का लोगो बना हुआ रहेगा, तो आपको उसमें टैप करना है, मतलब क्लिक करना है। जैसे उसमें क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, डज द रिक्वेस्ट रिलेटेड टू कॉन्टेंट जनरेट बाय ऑल, उसके बाद AI, उसके बाद कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको सिंपली, आप AI वगैरह कुछ यूज नहीं करते थे आप जीमेल आईडी में, वो आपको बताना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। नो पे जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट द रीजन योर विश टू रिपोर्ट कंटेंट, ठीक है, तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, ठीक है, दो ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे पॉलिसी नो लीगल रीजन टू रिक्वेस्ट कंटेंट में आपको क्लिक कर देना, ठीक है, पॉलिसी इसमें है ना, और सेलेक्ट द रीजन एक ऑप्शन आपके सामने आएगा फिर से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना टू रिपोर्ट कंटेंट रिगार्डिंग चाइल्ड एंगेजमेंट, ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इधर देखिए, यहाँ पे नीचे प्लीज विजिट दिस लिंक, आपके सामने एक लिंक आएगा, ठीक है, दिस लिंक लिखा हुआ रहेगा, तो उसमें आपको टच करना है। जैसे आप उसमें टच करोगे, उसको ओपन करोगे, तो उसके बाद स्टिल कांट साइनिंग, आपको ऐसा एक पॉपअप आएगा, तो आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है, स्टिल कांट साइनिंग। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, हैव यू ऑलरेडी रिपोर्ट दिस टू द पॉलिसी, तो आपको आपको यहाँ पे क्लिक करना नो, ठीक है, एक यस का ऑप्शन आएगा एंड एक नो का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। जैसे नो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, यू रिलेशनशिप टू द यूजर एक्सपेंसेस दिस बिहेवियर, तो आपको यहाँ पे क्लिक, दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए मिला जाएगा, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे क्लिक करना आई एम द यूजर, दिस इज हैपनिंग टू मी, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना आपका फुल नेम पूछेगा, तो आपका जो पूरा नाम है वो आपको डाल देना, ठीक है। आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ अपना ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप 18 से प्लस के हो या फिर 18 से नीचे के हो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर यू अंडर दिस एज ऑफ 18, वेयर यू अंडर, ऐसे करके आपको सामने पॉपअप पे क्लिक किया जाएगा, तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपके सामने पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री में रहते हो, व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, तो आपको सिंपली इंडिया में क्लिक कर देना, ऐसे भी ऑलरेडी इंडिया में ही रहता है क्लिक, ठीक, तो आपको इंडिया में क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने चार पॉपअप खुल के आएगा, चार पॉपअप जैसे कि ड्राइव, जीमेल, गूगल हैंगआउट एंड गूगल साइट, तो आपको सिंपली जीमेल को रिकवर करना है, ठीक है, तो जीमेल में आपको क्लिक कर देना है। जीमेल में जैसे ही क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपके सामने एक और पॉपअप खुल के आएगा, वो पूरा कंप्लीट जैसे ही कर लीजिएगा तो आपका उसके बाद सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, एंड कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो रिकवर हो जाएगा।